उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद की खुर्जा तहसील क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें, खुर्जा नगर के सुभाष रोड स्थित पुरानी अनाज मंडी में स्थित एक परचूनी के गोदाम में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि अति व्यस्त अनाज मंडी के अंदर स्थित परचूनी के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम काफ़ी लंबा और गहरा होने के कारण दमकल कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान छत के ऊपर से जाकर भी दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दुकान मालिक कपिल अग्रवाल के अनुसार आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं पाए। वहीं फायर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं लोगों ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा इसमें मीटर नहीं है, आग लगने के कारण अज्ञात हैं। खबर UMS न्यूज। खबर लिखे जाने तक आग लगने की पुष्टि नहीं हो पाई है किन कारणों से आग लगी थी। ये मंडी में अग्रवाल साहब एक गोडाउन बना रखा था, जिसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल भरा हुआ था। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और फायर सर्विस को आने में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, और इस तरह कंडीशन का भी कई बार हमारे को फेस करनी पड़ती है कि जब काफ़ी लंबा जाम होता है तो SHO ने काफ़ी मेहनत करके जाम को खुलवाया और गाड़ी यहाँ पर पहुँच पाई, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ा नुकसान का जरूर हुआ क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और ऊपर से छत और जो टाइलें थी वो गिर रही थी। सर, आग लगने का कारण क्या रहा होगा? आग लगने का बेसिक कारण मेरे को इसमें यही नज़र आ रहा है कि एक मटेरियल काफ़ी ऊपर तक ऊंचाई तक भरा हुआ था, संभवतः शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी, और अभी उसकी जो जांच है वो की जा रही है।